समृद्धि से ज़्यादा मुझे ये रोड अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठीक है चला मैं बेटू धन्यवाद। और बाद में मुझे कान के नीचे मारा, क्यों मारा मेरे को नहीं समझ में आया। आप एटीजी ब्लॉग ना? हाँ हाँ, मैंने शॉर्ट्स में देखा था एक बार। हाँ क्या? सफ़र जिसमें इंसान कुछ नई चीज़ें सीखता है और उनका अनुभव करता है। आज मैं भी निकल पड़ा हूँ एक नया सफ़र तय करने के लिए और कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीजी व्लॉग्स, और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, नए व्लॉग में, नए मोटो व्लॉग में स्वागत है। सो बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ एक लॉन्ग राइड पे, दैट टू सोलो। तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। ये प्लान कैसे बना, कब बना, सब स्टोरी मैं आपको अभी जाते जाते बताता हूँ, क्योंकि अभी अंधेरा है तो आजू बाजू में कुछ दिखेगा नहीं। तो मेरी स्टोरी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कैसे मेरे लाइफ में मैं ये सब करता हूँ, एडवेंचर जो नहीं करना चाहिए कभी कभी, बट ठीक है। 4:15 बजे हमने अपनी राइड स्टार्ट की है। कहाँ पे जा रहा हूँ आपको तो मालूम पड़ गया है, टाइटल और थंबनेल देख के निकलता हूँ, बाकी की कहानी बाइक पे चलते चलते। ओके, लेट्स डू दिस। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस ट्रिप को लेके। एक्चुअली सत्यजीत की एंगेजमेंट है, मतलब वन ऑफ माई कज़िन, तो उसके एंगेजमेंट को जाने का प्लान बन गया था, लेकिन एंड टाइम पे कैंसिल हुआ मेरा और मेरे फैमिली का। लेकिन कल रात को 11:30 बजे ये डिसाइड हुआ कि मैं गांव जाने वाला हूँ। बहुत दिनों से जो मेरे दिमाग में ये सब प्लान चल रहा था यूट्यूब को लेके, कि अपने को चैनल ग्रो करना है या फिर वीडियोस कंटिन्यूस बनाने हैं, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। लाइक अगर मैं गया ट्रेन से तो भी चलेगा, और नहीं तो बाइक से तो जाऊँगा ही जाऊँगा। बट फाइनली कल रात को 11:30 बजे ये डिसाइड हुआ कि मैं जाऊँगा बाइक से, और मैं निकल चुका हूँ। 1:30 बजे तक मेरा पैकिंग चलता रहा, सब कुछ सेट करके रख दिया। अभी मैंने सिर्फ इस राइड में टॉप बॉक्स कैरी कर रहा हूँ, सैडल बैग्स का मैंने सोचा था लेकिन फिर बाद में कैंसिल कर दिया, क्योंकि 2-3 दिन की राइड है तो फिर मतलब नहीं है कुछ इतना सारा लेके जाने को। आशा करता हूँ कि एवरीथिंग गोज़ वेल, ये राइड अच्छी हो, स्मूथ हो, और आप लोगों का सपोर्ट मिले इस सीरीज़ में भी। और मेरा जो प्लान था कि मुझे विदर्भ एक्सप्लोर करना है, तो कह सकते हैं मैं सोच रहा हूँ कि ये राइड में विदर्भ के कुछ पार्ट्स, कुछ जगह एक्सप्लोर मैं करने वाला हूँ। मेरा रैंडम प्लान बनता है, मैं 700 किलोमीटर के लिए अगर 1.5 घंटे में प्लानिंग कर रहा हूँ ये सब की, या तैयारी कर रहा हूँ, तो सोचो फिर। एंड मेन मतलब इस राइड में मैं दूसरा रूट लेने वाला हूँ, लाइक नवी मुंबई, नासिक, धुले, अकोला एंड अमरावती। सो लेट्स सी। एंड यस, जय बजरंगबली, जय श्री राम। ओके, कसरा घाट शुरू हो गया अभी, इट्स 6:14। 2 घंटे मुझे लगे यहाँ तक आने के लिए। काहे को ट्रैफिक लगा है, कुछ हुआ का, क्या हुआ? अरे यार, ये मशा गलती कर दी थी मैंने, नसीब इतना गैप रखा इसने, थैंक यू। अच्छा इधर काम चल रहा है, ओके। इतना बड़ा बड़ा ट्रक के लिए रखा रहता है ये बेसिकली, कि ट्रक पीछे ना आ जाए। क्या ही मज़ा आ रहा है राइड करने में। आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं, अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक का बटन दिया है दबा दो। और यही वो जगह थी जहाँ पे मेरी बाइक रात के टाइम पे बंद पड़ गई थी, एंड आई वाज हेल्पलेस। धुले और 203 किलोमीटर है, अगर रास्ते ऐसे ही मिल जाएंगे तो 2 घंटे में धुले। अगर आपको कार से जाना है नागपुर, अमरावती, अकोला ए साइड में, तो राइट साइड में घोटी का रास्ता है, तो आप वहाँ से जाके फिर आगे जाके शिरडी से समृद्धि महामार्ग पे कनेक्ट कर सकते हो। और मेरे राइट साइड में सनराइज हो रहा है, कितने दिनों के बाद मैं सनराइज देख रहा हूँ। सो टाइम अपडेट 7:00, 159 किलोमीटर हो चुका है अपना, और मैं अभी हूँ नासिक में।
100 किलोमीटर बाद एक ब्रेक लेने का सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी जो मज़ा आ रहा है ना, बाद में रास्तों की कंडीशन मालूम नहीं है जलगांव के बाद, इसके लिए फिर अभी जितना स्ट्रेच कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ। जिसको बोलते हैं ना, टोल पे अगर हम लोग पैसा भर रहे हैं तो पूरा वसूल है ये। मतलब इतना मक्खन रोड मैंने सच्ची में बहुत कम बार देखा है, और बहुत कम बार उस पर से बाइक से ट्रैवल किया है। मतलब लोग लिटरली बोलते हैं ना, समृद्धि हाईवे है, बन गया है तो टाइम बचेगा। ऑफकोर्स टाइम तो उससे बचेगा ही, लेकिन समृद्धि से ज़्यादा मुझे ये रोड अच्छा लग रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात, मतलब ये टारमैक रोड है, डांबर का रोड है, यहाँ पे ग्रिप भी अच्छा मिलता है, एकदम सीधा मक्खन रोड है, लवली। ओके ओके, इट्स 8:50 राइट नाउ, और 317 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है अपना, और मैं अभी हूँ धूले में। अभी एक बार मैप सिर्फ चेक करना है कि जो राइड मुझे लेना है जलगांव का, वो कहाँ से आएगा। चलो, NH 53 हाईवे चालू हो चुका है, और अभी मेरे को 50 किलोमीटर एकदम स्ट्रेट जाना है, कहीं पे भी मुड़ना नहीं है। सो इट्स 10:00 राइट नाउ, और मैं हूँ जलगांव के पहले। जस्ट अभी जूस पीने के लिए रुका था, एंड धूप 10 बजे ही बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। आगे चल के हाल क्या होने वाला है मालूम नहीं, और वो भी मैं विदर्भ में जा रहा हूँ अभी, विदर्भ साइड, सो डोंट नो। लेकिन ठीक है, अभी एक 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लूँगा और उसके बाद निकलूँगा। मोर 6 आवर्स टू रीच अमरावती, देखते हैं ये भी कम कर लेंगे और क्या, आराम से जाएंगे। और 3 बजे तक मेरा टारगेट है पहुँचने का, सो इट विल बी अ गुड रिकॉर्ड फॉर मी टू, देखते हैं। भारी नहीं है, आमचं ही तसंच आहे। ठीक आहे, चला मग भेटू, धन्यवाद। काय नाव तुमचं? किरण। किरण, ठीक आहे, नाईस पीपल, अच्छा लगता है इंटरॅक्ट करने के लिए। अभी थोड़ी एनर्जी आ गई है सुबह से, या फिर बोल सकते कल से कुछ भी नहीं खाया था, तो चलो N3, N2, N1 चलो। ये भी रास्ता अच्छा खासा बना है, और बीच बीच में जो ब्रिज का काम चले उसके वजह से डाइवर्जन तो ज़रूर है, लेकिन अच्छा है रास्ता। थोड़ा थोड़ा कभी कभी गंदा पैच आ रहा है बस, बाकी कुछ नहीं। अभी यहाँ से लेना है मुझे राइट, ये गांव कौन सा है एग्जैक्ट आई डोंट नो। यश शर्मा वदमालय एरंडोल बस स्टॉप, एरंडोल गांव है शायद से ये। यहाँ से अभी 20 किलोमीटर सीधा। मैं जलगांव को स्किप कर रहा हूँ, जलगांव जाने की ज़रूरत नहीं दिखा रहा है मैप में, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अरे 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 अरे, मारा मारी नहीं करने का रे ऐसा। सी व्हाट आई सॉ सडनली, सनफ्लावर, पूरी बाग है सनफ्लावर की, क्या बात है। ये बहुत सालों के बाद ऐसा देख रहा हूँ मैं, कितना सुंदर दिख रहा है यार, वाह। तो रास्ते छोटे हैं, लेकिन आजू बाजू में ये जो हरियाली है ना, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। ये केले का पत्ता है, ये देखो
कितना सुंदर है ये। अभी यहाँ से लेना है लेफ्ट, नेशनल हाईवे 753L है ये। ये कहाँ से आ रहा है लेकिन आइडिया नहीं है, बट जामनेर से जैसे आप बाहर साइड आते हो तो आपको यू टर्न लेना है काइंड ऑफ, और ये रास्ते पे 26 किलोमीटर आगे जाना है सीधा एकदम। चारों ओर सूखा जंगल है बस। अब बाप रे बाप, नसीब ध्यान गया मेरा, नहीं तो कुछ नहीं होता था। वैसे ब्रेकिंग मेरे बाइक पूरी कंट्रोल में रहती है मेरी हमेशा। ओ मंकीज के लिए पानी भी रखा है यहाँ पे, क्या बात है। एक फनी किस्सा आपको बताता हूँ, मैं जब छोटा था तभी मैंने एक मंकी को दाना दिया खाने के लिए, उसने वो खा लिया, वो शक्कर का जो आता है वाइट कलर का छोटे छोटे बॉल्स वो, और बाद में मुझे कान के नीचे मारा, क्यों मारा मेरे को नहीं समझ में आया, मैं रोने लग गया उधर सब। क्या मौसम है यार, वाह। 12 बज रहे, मुझे लगा था बहुत धूप रहने वाला इधर, क्योंकि जलगांव में जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो बहुत बुरा था, बट ये बहुत ही मूड फ्रेशनिंग है, राइड के लिए परफेक्ट दिन है आज। क्या बात है, आओ ना साइड में आओ। आप एटीजी व्लॉग ना? हाँ हाँ, मैंने शॉर्ट्स में देखा था एक बार। हाँ क्या? इसके लिए कौन सा शॉर्ट देखा था? शॉर्ट आप इधर से बुल्ढाना साइड से जा रहे थे। हाँ, वो वाला देखा था। सही है सही है, थैंक यू, अच्छा लगता है मिलके। तो आप ट्रैवलिंग करते रहते क्या? मैं अभी जा रहा हूँ अमरावती। अमरावती जा रहे? हाँ, अच्छी बात, आराम से जाइए। यस, थैंक यू। क्या नाम है आपका? ओम वराड़े। चलो, यस, थैंक यू। OMG मोमेंट था ये, लिटरली OMG मोमेंट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ओम। ऐसे ही अपने को अपनी फैमिली बड़ी करनी है। चलो, मैं अभी पहुंच गया हूँ मलकापुर में, और मलकापुर से अकोला इज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स, और 100 के बाद भी आगे आई गेस 70-75 किलोमीटर्स है अमरावती, तो टोटल डिस्टेंस अभी 175 या मैक्सिमम 200 कह सकते हैं। अरे बारिश आ रहा है का, आगे वाला थूक रहा है या आगे वाला पानी मार रहा है वाइपर से, क्या हो रहा है? शार्प लेफ्ट, अच्छा जा। ओके, सो बेसिकली दिस इज NH 53, नेशनल हाईवे 53, तो ये मुझे 25 किलोमीटर कंटिन्यू करना है। शायद आगे जाके अच्छा है आई गेस खामगांव तक रोड जाएगा, खामगांव से फिर अकोला, अकोला से अमरावती, 3 बजे तक अमरावती। इतना अच्छा मौसम और इतने अच्छे रास्ते, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतना भारी कॉम्बिनेशन है, और हाथ मेरे काले हो गए क्योंकि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं। एंड यहाँ का मौसम और आजू बाजू में देख लो कितना सुंदर है, रास्ते देख लो, अपना पैंथर तो आज फुल ऑन मतलब कष्ट करने के मूड में है, लाइक इतना भगाया जा रहा हूँ मैं उसको, इतना भगाया जा रहा हूँ, बट बेचारा है कि कुछ बोल नहीं रहा है फिलहाल में, और आगे भी मत बोलना बेटा, ठीक है। इसका सर्विसिंग का टाइम आ चुका है, वो सर्विसिंग भी करनी है जाने के बाद, बट ओवरऑल गाड़ी यार एक नंबर है, 400 cc है, एवरीथिंग इज़ फाइन, टूरिंग के लिए बनी है। एंड मेन मतलब इट्स 12:30, राइड स्टार्ट करके अपने को हो चुके 8 घंटे, 8 घंटे में हमने 500 किलोमीटर कवर कर लिया, विच इज़ गुड। एंड टॉप बॉक्स की हालत देख लो आप एक बार, मैंने पहले बैग में भरे थे कपड़े, उसके बाद बैग इसमें जब डाली तो टॉप बॉक्स का ढक्कन लग नहीं रहा था, इवन अभी भी कट टू कट लग रहा है, बट मच बेटर देन द बैग वाला आइडिया। तो इसमें चेन ल्यूब स्प्रे, ये देखो ये डीओ का है। बस अभी एक 5 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, फोटो वगैरह खींचता हूँ बाइक्स का, एंड उसके बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं।
अजीब हादसा हो रहा है मेरे साथ, सूरज देवता गायब। क्या मौसम मिला है, क्या दिन दिया है भगवान आपने। हाँ, और एक बात, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जिनके घर पे जा रहा हूँ, तो उनको किसी को भी मालूम नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। उनको जाके डायरेक्ट सरप्राइज देना है, क्योंकि कल तक तो डिसाइड हो ही गया था कि मैं नहीं जाने वाला, बट आज अचानक से प्रकट हो जाऊंगा मैं वहाँ पे। अप्रैल महीने में बारिश हो रही है, मार्च महीने में भी बारिश हुई। अरे क्या है, क्या चालू है अपने इकोसिस्टम का, पूरे वाट लगा के रख दिए हम लोगों ने। चलो, 1:30 बज रहा है यहाँ पे, और बहुत लाइक आधा घंटा ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो अभी नॉन स्टॉप जाएंगे। बारिश आई इसके लिए मैं रुका था, बट चलो हो गया, बारिश ख़त्म, अभी राइड शुरू। पूरा भीग गया हूँ मैं अभी, क्योंकि बारिश आई पूरा भिगा दिया, जूते में पानी, पैंट गीला, शर्ट गीला। अभी बस घर पे जाने की जल्दी है मुझे, क्योंकि ये सब सेटअप में गीले अवतार में बैठने में बहुत चिपचिप होता है बाद में। अभी अकोला इज मोर 20 किलोमीटर्स। ओ क्या रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसमें। ओके, सो टाइम टू एंड दिस वीडियो। ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूँ अमरावती, और घर पे जाने के लिए और 10 से 15 मिनट लगने वाला है। राइड की बात करें तो राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, लास्ट में सिर्फ बारिश की वजह से थोड़ा स्पीड स्लो हो गया और टाइम बढ़ गया। और बाइक की हालत देखा, ये देखो फुल गंदी हो गई, फुल मतलब इसको अभी धोने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। ये देखो, मतलब बाइक जो कैटेगरी की है ना, टूरिंग वगैरह, प्रॉपर ये भी एक अच्छा लगता है देखने में कभी कभी। ये वीडियो मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस करके भी मतलब नहीं है, मेरी भी एनर्जी कम हो चुकी है अभी, क्योंकि दिन भर राइड किया और सोने का तो कोई संबंध ही नहीं था कल। 4:05 हो रहे हैं अभी, एंड ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 11.5 घंटे लगे मुझे। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कवर किया, लेकिन लास्ट में जो बारिश ने तकलीफ दी उसके बाद टाइम बढ़ गया, बट कोई नहीं, सेफली मैं अमरावती पहुँच गया, ये बड़ी बात है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, रूट के रिगार्डिंग या बाइक के रिगार्डिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग। शिवरिंग चालू हो रहा है मेरे को अभी, मैं बस अभी वीडियो बंद कर दो और फट से जाता हूँ घर पर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।